नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विमलेश स्टडी नंबर वन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में किलोग्राम का सवाल को कैसे बनाएंगे दोस्तों, बड़ी आसानी से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, एक के जी सेब का दाम 80 रुपया है, तो 200 ग्राम सेब का दाम क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसको आप बहुत आसान से बना सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, एक के जी सेब का दाम 80 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 200 ग्राम का निकालना है, तो सबसे पहले इसमें 100 ग्राम का दाम निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 किलो दिया है ना, 1 किलो का दाम 80 रुपया दिया है, तो 80 में आप 10 से भाग दे दीजिए तो 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 होगा ना, तो आपको 10 से भाग देना है जो रुपया रहेगा उसमें। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 केजी रहता, अगर 2 रहता, तो इसमें आपको 20 से भाग देंगे। ठीक है, तो आपको 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। तो देखिए 80 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 × 8 = 80, यानी कि 8 रुपया हुआ। ये जो 8 रुपया निकल के आया है दोस्तों, ये 100 ग्राम का दाम निकल के आया है। 100 ग्राम का दाम निकल के कितना आ गया दोस्तों, ये 8 रुपया आ गया। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, 200 ग्राम सेब का दाम, तो 8 को 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 200 ग्राम को पूछ रहा है तो 2 से गुना कर दीजिए, और जो निकल के आ जाएगा वही आपको 200 ग्राम का दाम हो जाएगा। तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16, यानी कि दोस्तों 200 ग्राम सेब का दाम 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप किलोग्राम का सवाल को बनाएंगे। यहीं पर दोस्तों अगर 2 किलो होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यह है 2 केजी अनार का दाम 80 रुपया, तो 400 ग्राम अनार का दाम क्या होगा? ठीक है, इसमें 2 किलो दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2 केजी बराबर कितना दिया है, 80 रुपया, तो लिखेंगे 80 रुपया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले 100 ग्राम का दाम निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, इस 80 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें 20 से भाग दे देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 रहता तो 10 से भाग देते, यहाँ पे 2 है तो 20 से भाग देंगे। यही दोस्तों आपको 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। ठीक है, तो 20 से भाग दोस्तों 80 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 80, यानी कि 4 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 4 रुपया जो हो जाएगा दोस्तों, ये 100 ग्राम का दाम हो जाएगा, 100 ग्राम का दाम 4 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों क्या पूछा जा रहा है इसमें, 400 ग्राम अनार का दाम क्या होगा, तो क्या करेंगे, 400 ग्राम का पूछ रहा है, तो इस 4 को इस 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर ये दोस्तों यहाँ पे 500 ग्राम का पूछता तो 4 को 5 से गुना कर देते, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, यानी कि दोस्तों 400 ग्राम का दाम 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इस टाइप के सवाल को बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।